जेडीयू को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया। पार्टी में रची जा रही है साजिश। उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा, हर कार्यकर्ता जानता है कि कौन साजिश रच रहा है। मुझे नेतृत्व देने की कही गई थी बात, विलय के पहले सीएम नीतीश कुमार से हुई थी बात। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां लगातार जेडीयू को लेकर उपेंद्र कुशवाहा तीखी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है कि विलय से पहले ये कहा गया था कि उनको नेतृत्व दिया जाएगा, लेकिन अब तक इस तरह का कोई पहल या कोई कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से नहीं उठाया गया, जिसके बाद अब वो आरोप लगा रहे हैं कि हर कार्यकर्ता जानता है कि कौन साजिश रच रहा है। मुझे नेतृत्व देने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से खुलकर अब सामने आ रहे हैं, बगावती तेवर उनके नजर आ रहे हैं, इसको लेकर अब तक सीएम नीतीश कुमार अब कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हम भी हाथ जोड़कर प्रार्थना रोज कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी स्टेप लीजिए। स्टेप मतलब हमारे भागने और रहने का कोई मामला नहीं, हम कोई भाग थोड़े रहे हैं, लेकिन पार्टी को बचाने के लिए जो स्टेप लेना है उस स्टेप को लेने की ज़रूरत है। हम भी मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं, भैया हमारे साथ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं, लेकिन अब कुछ लोग घेर करके गला दबा के उनसे कुछ करवा रहे हैं। कौन घेरे हुए हैं? अब कौन घेरे हुए? हमने तो कहा ना भैया, हमने तो कहा ना कि आप जाइए पार्टी कार्यालय के पास, खड़ा हो जाइएगा आधा घंटा, कैमरा नहीं रखिएगा, माइक नहीं रखिएगा, तो बहुत सारा देखिए जिस तरह से बोल रहे हैं रामेश्वर जी, उनका बरप्पन है, मैं अपने को उस रूप में नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, जब बात हुई थी मुख्यमंत्री जी से मर्जर के पहले, पहली मुलाकात हमारी हुई, उसमें ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आइए, मेरे बाद कौन पार्टी को देखेगा, पार्टी संभालिए। क्या आपको नंबर टू उन्होंने बनाया था? अब क्या बनाया नहीं बनाया यह तो अब सब लोगों के सामने है ना, इसमें हमको क्या कहना है। प्रशांत किशोर को भी नंबर टू बनाया था, आपको भी नंबर टू बनाया, तो जो आरसीपी जी कहते हैं कि नीतीश जी का यूज एंड थ्रो मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है, तो क्या वो सही है? नहीं देखिए, हम तो अभी मुख्यमंत्री जी का इतना सम्मान करते हैं कि अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी स्टेप्स लेंगे और पार्टी बचेगी। अभी हम इस मुहिम में लगे हुए हैं, इसलिए इस तरह की कोई और टिप्पणी आप कुछ बोलकर मुझसे करवाना चाहते हैं तो अभी कोई टिप्पणी संभव नहीं। ठीक है।